तो प्रोबेबिलिटी में हम लोग फिर एक और क्वेश्चन लेके आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आज का क्वेश्चन है, रिकॉर्ड ऑफ अ वेदर स्टेशन शोज दैट आउट ऑफ पास्ट 250 कंसेक्यूटिव डेज इट्स वेदर फोरकास्ट करेक्ट 175 टाइम्स, ठीक है। मतलब क्या हो रहा है, वेदर स्टेशन, वेदर स्टेशन मतलब मौसम का जो भविष्यवाणी करता है मौसम विभाग, किस दिन बारिश होगा, किस दिन बारिश नहीं होगी, किस दिन धूप ज़्यादा है, किस दिन कम होगा, किस दिन से बादल कड़केगा, टेम्परेचर क्या होगा, किस समय कितना टेम्परेचर होगा, कितने किस दिन आंधी आएगी, ये सब के बारे में जो वेदर फोरकास्ट मौसम के बारे में जो जानकारी देता है ना, उस डिपार्टमेंट का नाम है वेदर स्टेशन, ठीक है। वेदर स्टेशन जो है पिछले 250 लगातार जो है वो फोरकास्टिंग, फोरकास्ट मतलब क्या होता है, भविष्यवाणी, कैसा मौसम होगा इसका भविष्यवाणी करता है। टीवी पर भी न्यूज़ सब में देखते होंगे, न्यूज़ के लास्ट में बताता है इसी शहर का ये टेम्परेचर है, आज बारिश होने, कल बारिश होने वाली है ना, 24 घंटा का फोरकास्टिंग करता है। तो उस तरह का है, तो लास्ट 250 डेज से 250 कंजीक्यूटिव डेज मतलब लगातार 250 कंजीक्यूटिव डेज मतलब लगातार 250 कंजीक्यूटिव डे मतलब लास्ट पिछले 250 दिन से लगातार वो फोरकास्टिंग कर रहा है, एवरी डे पिछले 250 दिन से लगातार फोरकास्ट कर रहा है मौसम का जो है जानकारी, मौसम का भविष्यवाणी पिछले 250 दिनों से दे रहा है, ठीक है। तो कहता है पिछले जो 250 दिनों से जो मौसम की भविष्यवाणी की गई है, जो मौसम का भविष्यवाणी है पिछले 250 दिन से, उसमें जो भविष्यवाणी है वो सही हुआ, करेक्ट हुआ, मतलब सही हुआ 175 टाइम्स, 175 बार ऐसा हुआ कि जो मौसम विभाग ने भविष्यवाणी किया वैसा ही मौसम रहा, मतलब करेक्ट हो गया, मतलब जो भविष्यवाणी किया था वैसा ही मौसम रहा। तो यानी 175 बार 175 टाइम्स जो है फोरकास्टिंग भविष्यवाणी मौसम के बारे में जो दिया गया था फोरकास्ट डिपार्टमेंट के हिसाब से, वेदर स्टेशन जो दिए थे वो सही पाया गया, करेक्ट पाया गया, ठीक है। टोटल 250 टाइम्स वो जो है फोरकास्टिंग किया है, उसमें से 175 टाइम्स करेक्ट हुआ, तो बाकी टाइम्स गलत हो गया। नहीं, 250 टाइम्स वो फोरकास्टिंग किया, उसमें से 175 टाइम्स वो करेक्ट हुआ, तो बाकी टाइम क्या हो गया, गलत हो गया। यानी 100% यहाँ पर सही फोरकास्टिंग नहीं हुआ, सिर्फ 175 टाइम्स ही सही हुआ, बाकी समय जो रह गया वो गलत हो गया, करेक्ट नहीं हुआ, इनकरेक्ट हुआ। तो वही बोल रहा है कि आप प्रोबेबिलिटी निकालिए ना, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, संभावनाएं बताइए दैट ऑन अ गिवन डे इट वाज करेक्ट, है ना, कितना करेक्ट होने का कितना संभावना। ये जो मौसम विभाग का जो भविष्यवाणी है, जो डेटा यहाँ दिया हुआ है, उसके हिसाब से जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग करेक्ट फोरकास्टिंग कितना है, ठीक है ना, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द इनकरेक्ट फोरकास्टिंग, करेक्ट फोरकास्टिंग होने का प्रोबेबिलिटी कितना है और इनकरेक्ट होने का भी प्रोबेबिलिटी कितना है, इस चीज को पूछा जा रहा है। तो टोटल कितना बार फोरकास्टिंग किया है, 250, मतलब वो फोरकास्ट करने का ट्रायल कितनी बार हुआ है, एक्सपेरिमेंट कितनी बार हुआ है, 250 टाइम्स, 250 बार वो एक्सपेरिमेंट किया और 250 बार फोरकास्टिंग किया, इसका मतलब क्या हो गया, ट्रायल हो गया 250 टोटल, सो एन का वैल्यू हो गया 250, ठीक है। एन मतलब टोटल फोरकास्ट, एन क्या है, टोटल ट्रायल, ट्रायल को हम लोग क्या है एन से डिनोट करते हैं, टोटल फोरकास्ट, ठीक है, समूह सारी भविष्यवाणियां कितनी है 250, ठीक है। उसके बाद हम लोग मान लेते हैं इवेंट ए, ठीक है, करेक्ट फोरकास्टिंग, इवेंट ए किसको मान लिए, करेक्ट फोरकास्टिंग को, ठीक है। तो कितनी बार फोरकास्टिंग करेक्ट हुआ है भाई, 175 बार हुआ करेक्ट फोरकास्टिंग, ठीक है। और दूसरा इवेंट हम मान लेते हैं इवेंट बी, इनकरेक्ट फोरकास्टिंग, ठीक है,
इनकरेक्ट फॉरकास्टिंग, इनकरेक्ट फॉरकास्टिंग कितनी बार हुआ है? 250 टाइम्स जो फॉरकास्टिंग किया उसमें से 175 करेक्ट हुआ, बाकी तो इनकरेक्ट ही ना हुआ। ठीक है, तो इसमें से अब हम माइनस कर देंगे, 5 हो गया, तो 75 टाइम्स जो है उसका फॉरकास्टिंग रॉन्ग हो गया। ठीक है ना, रॉन्ग फॉरकास्टिंग कितनी बार हुआ? 75। करेक्ट फॉरकास्टिंग कितनी बार हुआ? 175। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग करेक्ट फॉरकास्टिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग करेक्ट फॉरकास्टिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग करेक्ट फॉरकास्टिंग, करेक्ट फॉरकास्टिंग होने का, यानी ये फर्स्ट क्वेश्चन हुआ, इट वॉज करेक्ट, करेक्ट फॉरकास्टिंग होने का प्रोबेबिलिटी कितना है वो निकाल रहे हैं। तो कितना बार करेक्ट फॉरकास्टिंग हुआ है वो, और उसको डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ फॉरकास्टिंग से। ये कितना है? 175। ठीक है, 250 टाइम्स टोटल हुआ है। ठीक है, तो इसको जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा 0.7, यानी अगर एक बार फॉरकास्टिंग करता है तो 0.7 टाइम्स ही संभव है कि वो करेक्ट हो। ठीक है, उसके बाद दूसरा है नॉट फॉरकास्टिंग। ठीक है, इनकरेक्ट फॉरकास्टिंग का प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इनकरेक्ट फॉरकास्टिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रॉन्ग फॉरकास्टिंग, है ना, गलत भविष्यवाणी का कितना है प्रोबेबिलिटी, संभावना कितना है वो निकालेंगे। तो क्या लिखेंगे, कितना बार वो गलत फॉरकास्टिंग किया और टोटल कितना बार वो फॉरकास्टिंग किया, दोनों का रेशियो निकालेंगे। ये कितना है? 75/250। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 0.3, यानी अगर एक बार फॉरकास्टिंग करते हैं तो 0.7 टाइम्स चांसेस है कि करेक्ट फॉरकास्टिंग होगा और 0.3 टाइम्स चांसेस है कि रॉन्ग फॉरकास्टिंग होगा। ठीक है, दोनों मिला के कौन होता है 0.7 0.3। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग करेक्ट फॉरकास्टिंग, दिस इज योर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग करेक्ट फॉरकास्टिंग, दिस इज योर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इनकरेक्ट फॉरकास्टिंग। ठीक है, ओके, थैंक यू।